परसों से एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है जिसका नाम है मास्टर्स, और इस ड्रामा में होंगे रोमैसा एंड जुलकर्ण इन दोनों। तो आई एम ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन, एंड प्लान ये है कि मैं पहले ट्रेलर पे रिएक्ट करूंगा फिर ओएसटी पे। तो लेट्स गो। ये ट्रेलर है। मेरा इस जिंदगी में मिशन है ना, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। वैसे मैं कितनी बोरिंग लाइफ गुजार रही थी ना, तुम लोग कितने अच्छे लोग। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मुझे इतने अच्छे दोस्त बने। मेरी साइंस कहती है कि जो साइंस को इलॉजिकल कहता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा जहन्नुम है। एक होता है ना सुबह सुबह अंदर का शैतान, उसको सुकून ही नहीं मिलता जब तक कोई मस्ती ना कर ले। मुझे भूख लगती है, मैं खाना खा लेता हूँ। तुम लोगों को क्यों तबर लगता है? तुम लोग के जो मजाक है ना, मुझे पसंद नहीं आते। हर वक्त मेरा ही मजाक उड़ाते रहते हो। ओके, मेरे कुछ थॉट्स है इस ट्रेलर के बारे में, लेकिन उससे पहले ओएसटी भी देख लेता। सिंगर साजिद अब्बास। जिंदगी है ख्वाब एक नया मीठा सा। सीरियसली कोई बॉलीवुड हीरो नहीं लग रहा क्या वो? मस्ती नगर में गुम रहो, इन खुशियों के सब संग रहो, मना लो गुनगुना लो कोई धुन। कुछ नए सिरंग है जिंदगी के संग है, गाले गुनगुना ले। हील्स में डांस कर रही है रोमैसा। ढलती धूप थाम लो, जिंदगी का जाम लो, एक नई कहानी कोई बुन। मन की सुन, मन की सुन। काफी चिल ड्रामा लग रहा है। मन की सुन। कॉलेज लाइफ के बारे में, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिसमें सबका अलग अलग एक कैरेक्टर है। ऑब्वियसली हर कोई अलग ही होता है, लेकिन खोलो दिल की खिड़कियां, मंजिलें मिलती यहां, रास्तों पे बैठा मन चला। थोड़े गम तो हिस्सा है, छोटा सा एक किस्सा है, खुशियों की नदियां में भी नहा। हाँ मानो दिल की बात भी, सुबह आए रातों की, सूरज भी गाएगा तेरे गुण। मन की सुन, ढलती धूप थाम लो, जिंदगी का जाम लो, एक नई कहानी कोई बुन। मन की सुन, मन की सुन। बहुत डिफरेंट ओएसटी है। सोबतों का है नशा, हम रहे यूं ही सदा, रास्तों पे बैठा मन चला। यार मैं यूनिवर्सिटी लाइफ को मिस करने लगा ये देख के। बातों को खरीद ले, मंजिलों की जानिब ये चला। हाँ बेखुदी के गीत में, लफ्ज़ तेरे सुर मेरे, गाले गुनगुना ले कोई धुन। मन की सुन, आंखों की ये गुफ्तगु, आ मेरे तुरुबरु, एक नई कहानी कोई बुन। मन की सुन, मन की सुन। ओके, तो पहले बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर से क्लियर है कि यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिसमें हर एक का अलग अलग टाइप ऑफ रोल है। जैसे कि रोमैसा की बात की जाए तो वो एक थोड़ी नर्डी टाइप की कैरेक्टर प्ले कर रही है, साइंस में बहुत इंटरेस्टेड ऐसा लग रहा है ट्रेलर से। तो देन जुलकर्ण है वो मस्तीखोर, हर ग्रुप में होता है ना एक ग्रुप की जान, लाइक वही सब प्लान्स बनाता है, मस्ती करता है। तो ऐसा लग रहा है मुझे जुलकर्ण है वो रोल प्ले करने वाला है। एंड फिर एक खाना खाने वाला भुक्कड़। तो ये सब सच्ची में हर फ्रेंड ग्रुप में ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। एंड एक को चैरिटी करना है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एक को लाइफ को जीना है थोड़ा ज़्यादा। तो या सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ का, एंड
या बहुत ही अच्छा डायनामिक हो सकता है। ऐसे टाइप के स्टोरीज बहुत बार लोगों ने कहा है, ये स्टोरी कुछ बहुत यूनिक नहीं लग रहा ट्रेलर से, तो एटलीस्ट हो सकता है बहुत कुछ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ऐसे टाइप के स्टोरीज मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने पहले भी कहा है, जब ऐसे टाइप के स्टोरीज होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मस्ती कर रहा है, उनका स्ट्रगल्स वो सब दिखाता है, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो आई विल प्रॉबेबली चेक आउट दिस ड्रामा, लेकिन एग्जीक्यूशन पे बहुत डिपेंड करेगा। इसको पूरी तरह से फ्लॉप भी कर सकता है, क्योंकि स्टोरी बहुत, जो सेटिंग है स्टोरी का वो बहुत यूनिक नहीं है, लेकिन इट कैन बी वेरी गुड डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन। एंड ओएसटी की बात करूँ तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, दिस इज डेफिनेटली नॉट टॉप 10 इन माई बुक्स। अच्छा ओएसटी था, लेकिन ऐसा कुछ ग्रेट ओएसटी भी नहीं था कि लाइक मेरे टॉप 10 फेवरेट्स में कुछ नहीं आ गया, लेकिन आई स्टिल एंजॉयड इट। एंड एक मेन रीजन ये भी है कि मैं स्माइल कर रहा था पूरे ओएसटी के टाइम में, ट्रेलर के टाइम में, क्योंकि रोमैसा जुलकर ने, इनके बारे में मैंने पहले ही कहा था, मैंने रोमैसा के बारे में बोला था कि शी विल बिकम एन एक्ट्रेस, और अगर वो एक्ट्रेस नहीं बन पाती तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहूँगा। एंड टू फाइनली सी हर इन अ ड्रामा इज थोड़ा सरियल, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। फिर जुलकर ने, इनके बारे में मैंने बोला था कि उसके पास वो बॉलीवुड रोमांटिक हीरो वाला स्माइल होता है ना, चार्मिंग स्माइल, वो है इसके पास, एंड अभी तक बॉलीवुड में नहीं पहुंचा, और मुझे पता नहीं कि उसको बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट है भी क्या, लेकिन ही हैज़ दैट लुक बॉलीवुड रोमांटिक हीरो का। एंड अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं तो आई रियली फील ही हैज़ अ चांस। उसका एक्टिंग तो देखना पड़ेगा वो कितना अच्छा कर पाता है इस ड्रामा में, लेकिन लुक तो डेफिनेटली है उसके पास। तो या ऑल क्रेडिट गोज टू एक्सप्रेस टीवी, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, मुझे इन्होंने पे नहीं किया इसको प्रमोट करने के लिए, बस इतना करो कि कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना। वैसे भी मैं ओएसटीज पे रिएक्ट करने से डरता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज बहुत हो जाते हैं, तो होपफुली स्ट्राइक मत देना, क्लेम करना है तो क्लेम कर लो। एंड या अभी सुनते हैं कि आकाश को ये वीडियो कैसा लगा। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश, तो मैं आज बात करने वाला हूँ रोमैसा खान के न्यू ओएसटी और ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है, तो मास्टर्स करके मतलब ये मतलब नाम है ड्रामा का। तो आज ड्रामे का मतलब मैंने ये देखा, ओएसटी देखा, एब्सोल्युटली यार मतलब अच्छा लगा कि मैंने मतलब सोचा था, मतलब मैंने जब रोमैसा खान को पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि यार मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग है तो स्टार तो होगी मतलब, बट ड्रामा भी आ चुका है तो अब इंतज़ार है कि रोमैसा खान की फिल्म कब आएगी। तो ये ड्रामा में शायद से उनका रोल कोई साइंस स्टूडेंट, मतलब उनका ये कैरेक्टर शायद से साइंस स्टूडेंट वाला है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा और उन पर काफ़ी सूट भी कर रहा है, जैसे ट्रेलर में देखा, ओएसटी में देखा, काफ़ी पढ़ाकू दिखाया है उनको इसमें, तो मज़ा है मतलब मज़ेदार है ये कैरेक्टर भी, और साथ साथ जुलकर नैन को भी बताया है इसमें, तो जुलकर नैन की भी एक्टिंग काफ़ी, मतलब जुलकर नैन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये ड्रामा में हीरो बताया है, हीरो तो मतलब सभी होते हैं और हीरोइंस भी सभी होते हैं, बट इनको इसमें हीरो बताया है। और ये ड्रामा सच कहूँ तो काफ़ी हिट जाएगा, क्योंकि उसमें रोमैसा खान है, जुलकर नैन है, और जुलकर नैन और रोमैसा खान का मैंने सुना कि काफ़ी फैंस है उनके पाकिस्तान में, तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखकर मुझे भी और आप सभी को भी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेके, बाय।